डॉक्टर के पास चले। वो मजीद कीमो का बोलेगा, अभी उसके लिए इतने पैसे नहीं हमारे पास। आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। कहाँ से? औरत बुरे वक्त के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बचा कर रखती है, आप भरोसा रखिए। बड़ी उम्मीद है कि मैं बच जाऊंगा। पता नहीं, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ूंगी। सिफत, दुआ, सिफत, दुआ कैसी हो तुम? क्या हाल चाल यार, तेरे से बात मिली हो, कहाँ गायब हो गई थी? यही हूँ। गायब मैं हूँ या तुम? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मुझे ये बताओ, कनाडा से वापस कब आई तुम? 6 महीने पहले। सही है, किसी ने ठीक कहा है दुआ, कि दुनिया वाकई बहुत गोल है। देखो ना, कितने से बात मिली हो पर फाइनली मिल गई हो। क्या बात है, नंबर क्यों ऑफ थे? तुम्हारा पुराना नंबर भी बन जा रहा था, मुझे लगा कहीं अल्लाह के पास चली गई हो। अभी नहीं जाने वाली इतनी आसानी से। नाराज हूँ मैं तुमसे। सिर्फ तो मैं क्या बताऊँ यार, लाइफ इतनी स्टक हो गई है ना, दुनिया कहाँ किस डगर चल रही है कोई खबर नहीं। दुआ तुम्हें पता है, तुम्हारा अंदाज ना अभी तक वैसा शायराना ही है। वैसे आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चलो ना कुछ खाने चलते हैं। यार आई वुड लव टू बट आई रियली कांट गो, मेरे हस्बैंड घर में इंतजार कर रहे हैं। शौहर? मतलब कि मैडम ने शादी भी कर ली, मुबारक हो। लेकिन अपने बचपन की दोस्त को इनवाइट करना तो दूर की बात, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा यार। तभी मैं सोचूं कॉन्टेक्ट नंबर बदल गया एकदम से, मैडम गायब, ससुराल, सास नंदे वगैरह। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जल्दी से अपना नंबर दो, मैं तुमसे घर जाके तफसील से बात करूंगी। यार चलती ना तुम अभी साथ? अभी मैं नहीं जा सकती हूँ, बताओ नंबर। वैसे बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें जाने की शादी के बाद? ये लो, और मेरी बात सुनो, तुम आज शाम मेरी तरफ इनवाइटेड हो और लाजमी आना है। क्या जरूरत थी सिफर? जरूरत थी ना, इतने अरसे बाद मिली हो यार, अपना ख्याल रखना बहुत, ठीक है? और लाजमी आना। बिल्कुल, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम, मैंने आपको ऑर्डर दिया था। तुम्हें वो नूर याद है कॉलेज में, जो हर टाइम पढ़ती रहती थी, हर टाइम उसके आसपास किताबें होती थी? नूर? वाह, वो नूर जिसके मुंह पे हर टाइम 12 ही बजे रहते थे, जिसको सिर्फ पढ़ना होता था। हाँ, मुझे याद आ गया, नूर जिसको तुम बहुत छेड़ती थी, और जैसे ही वो पीछे पलटती थी तो वो अपनी मासूम सी शक्ल बना के किताब में मसरूफ हो जाती थी, और वो बेचारी हर वक्त कंफ्यूज रहती थी कि उसको क्लास में छेड़ता कौन है। एग्जैक्टली वही वाली, उसकी तो किस्मत निकल पड़ी यार। कैसे? सुना है उसकी जिससे शादी हुई है बहुत ही कोई डैशिंग लड़का है। हाँ,
हो सकता है उसका कजन ही होगा कोई। हाँ फूफो का लड़का है गैस, पिछले दिनों इकरा मिली थी शादी में, ऐसे कसीदे पड़ रही थी उसकी तारीफ के जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। है तुम बताओ तुम्हारे वाला कैसा है? बहुत अच्छी। ओहो इतना अदब। अच्छा ये बताओ लव मैरिज हुई है अरेंज? ना लव हुई है और ना ही अरेंज। ये कैसी शादी हुई भला? रनिंग मैरिज तो नहीं हुई थी कहीं? नहीं दरअसल सिफत कभी कभी जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, होता वो ये जो किस्मत में लिखा होता है जिसे हम नहीं मिटा सकते। वाह नहीं ओके, तुम्हारी मैरिड लाइफ तो ठीक है ना, कहीं सास और नंदे तो तंग नहीं करती? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, ऐसा ठिकाने लगाऊंगी ना मैं उनको के याद रखेंगी। नहीं सिफत ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या बात है दुआ, उस दिन भी इतनी उदास लग रही थी। शौहर के साथ तो सब ठीक है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं वो, बिल्कुल एक आइडियल हस्बैंड जैसे, बहुत खुश रखते हैं मुझे। रही बात सास नंदों की, तो सास और ससुर का इंतकाल हमारी शादी से पहले ही हो गया था, और कोई नंद भी नहीं है, एक देवर है जो हमारे साथ नहीं रहता। सही। तुम बताओ तुमने शादी की या नहीं की, क्या इरादा है तुम्हारा? हाँ वही करने जा रही हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, डरी भी हुई हूँ। लेकिन दुआ तुम्हें पता है बहुत अरसे बाद ना कोई इतना अच्छा लग गया, तो मैं उसकी पिक्चर दिखाती हूँ, तुम्हें भी पसंद आएगा। Let's see. ए, इतना प्यारा, आप ही जाएगा पसंद। देखो बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। कनाडा में मिले थे हम, बाबा के ऑफिस में मुलाकात हुई थी। तुम इससे शादी कर रही हो? हाँ क्यों, अच्छा है ना? He loves me a lot. मुझे भी पता नहीं चला कब इतना प्यार हो गया, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी, हम साथ में अच्छे भी कितना लिखते हैं। बस अब कुछ दिनों में शादी है जिसमें तुम्हें आना है, बहुत सी तैयारियां हैं और सही अलग अलग करेंगे। बताओ ना क्या बात, क्यों कह रहे हो ऐसा? आंखें बंद कर। अच्छा ये लो कर ली आंखें बंद, अब बोलो। अलमीर अब मुझे बताओ मैं आंखें खोलूं कैसी खड़ी रहूं? खोलो। अलमीर I just can't believe this. I just can't believe it. कि मैं इतनी भी खुशकिस्मत हो सकती हूँ। खुशकिस्मत तो मैं जिसे तुम्हारी मोहब्बत मिली है। तुम सबसे कितने अलग हो अलमीर। वो तो मैं हूँ। तुम्हारे भाई मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे ना? क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तुम मोहब्बत हो मेरी। हाँ मगर तुम्हारे और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मोहब्बत में कोई ऊंच नीच नहीं होती है। तो तुम जानते हो ना मिडिल क्लास में एक लड़की की मोहब्बत को जुर्म बना दिया जाता है। मोहब्बत ही तो वो जुर्म है जिसपे कोई कानून लागू नहीं होता। जरूर वारी तुम्हारे साथ हूं, और ये अपर क्लास लोअर क्लास स्टेटस प्रॉब्लम ये बातें मत किया कर, मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मैं चेक कर लेता हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए कोई टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और मेरी बात सुने बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मसला क्या है? क्या चाहती हो तुम मुझसे? अलबीर तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या करोगी तुम? बोलो क्या करोगी? मैं वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो सच जो मेरे दिल के वीरान जजीरे में इतने सालों से दफन है, उसे खोद कर सबके सामने रख दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, याद रखो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तुम सोच रहे हो अलमीर? कहा ना मैंने कि सिफत की जिंदगी से निकल जाओ तुम। अलमीर, तुम समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूं। ये क्या कर रही हो तुम? मेरी तनाई का नजायज फायदा मत उठाओ, शर्म करो कुछ। तुम एक औरत हो। शर्म? इज्जत? तुम्हारी शर्म तब कहां गई थी जब तुम मेरी इज्जत के साथ खेल रहे थे। जुर्म हमेशा मर्द करता है मगर सजा सिर्फ और सिर्फ औरत को ही मिलती है। क्या बकवास कर रही हो? अब तुम मेरी जिंदगी में क्या लेने के लिए आई हो? तुम चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? वार्न करने आई हूं मैं तुम्हें कि सिफत का पीछा छोड़ दो तुम। पीछा? अरे मेरी सिफत से शादी होने वाली। मैं, वो मेरी दोस्त है, तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करती है। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। तुम क्या कह रही हो? मैं सिफत से मोहब्बत करता हूँ, सच्ची मोहब्बत, पर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मोहब्बत? तुम क्या जानो कि मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत का दावा तो तुमने मुझसे भी किया था, उसका क्या हुआ? तुम तो मेरी एक भूल हो, तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो। अरे तुम तो एक बेवफा औरत हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने मेरे भाई से शादी कर ली लालच में आके। उसकी भी वजह तुम हो अलमीर, ये बात तुम जानते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ एक चालबाज इंसान हो, दिलों को शतरंज का खेल समझ के रखा है। मगर एक बात याद रखना, इस खेल से अगर वजीर गिर जाए ना तो ये खेल खत्म हो जाता है। ओए नाफिस जनाब, अपनी बकवास बंद करो। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूं और तुम एक बेवफा औरत हो, और ये बात सच है। और तुम जाओ यहां से। जस्ट गेट आउट। सिफत की आदमी धोखेबाज है। बस सिफत, मेरी बात सुनो। सिफत, सिफत मेरी बात सुनो। सिफत, सिफत देखो, सिफत तुम उस मतलबी मकान लड़की के लिए खुद को कंफ्यूजन में मत डालो। उसका टारगेट मैं थोड़ी, मेरी प्रॉपर्टी है। अरे वो मेरी प्रॉपर्टी पे राज करना चाहती है। वो तुमसे तो क्या, वो तो मेरी कभी भी किसी से भी शादी नहीं होने देगी। Thank you.
क्या बात है अमीर, क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तो तुम्हारी किसी बात पर यकीन ही नहीं, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। देखो दुआ एक मक्कार और फरेबी लड़की, मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारी खुशियों में जहर घोलने के लिए आ जाएगी। कौन मक्कार है कौन फरेबी ये तो खुदा ही जानता है। एक तरफ मेरी दोस्त और एक तरफ तुम, किस पे यकीन करूं? अरे मेरा यकीन करो। देखो मैं मानता हूं वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। देखो हर इंसान का कोई ना कोई माजी तो होता है ना, तू मेरा माजी है, मेरा हाल और मुस्तकबिल तो तुम हो। आई लव यू सिफत। अलमीर दुआ की तो शादी हो चुकी है ना, अब भी वो तुमसे क्या चाहती है? अगर अभी भी तुम दोनों ने कोई लिंक रखना है तो तुम दोनों मेरी तरफ से आजाद अपना फैसला कर सकते हो। अरे फैसला तो होगा, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। सिफत प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दुआ मेरी भाभी है, मुझसे मोहब्बत के दावे करते करते उसने मेरे भाई से शादी कर ली। अब जो भाई को कैंसर हो गया तो वो इंतजार में कि कब मेरा भाई मरे और वो मुझसे शादी कर ले, इसलिए तो वो मेरी शादी होते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब दुआ को मैंने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी तो उसने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया था, बस इतना कहा था कि उसका एक देवर है जो अलग रहता है। अब तुम खुद सोचो, उसके दिल में चोर था जभी तो उसने तुमसे छुपाया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसीलिए तो तुम्हें सब कुछ सब बता रहा हूँ। मैं इतनी हेरा फेरी है, मेरा हर चीज से दिल खराब हो गया है। देखो सिफत तुम उस मतलबी मकार लड़की के लिए खुद को कंफ्यूजन में मत डालो, उसका टारगेट मैं थोड़ी मेरी प्रॉपर्टी है। अरे वो मेरी प्रॉपर्टी पे राज करना चाहती है, वो तुमसे तो क्या, वो तो मेरी कभी भी किसी से भी शादी नहीं होने देगी। नाराज हो मुझसे? क्यों आई हो यहाँ? मैं सब बताने वाली थी तुम्हें। अच्छा तो फिर बताया क्यों नहीं? या दौलत के हसूल ने तुम्हें इतना पागल कर दिया था कि तुम कुछ सोच भी नहीं सकी? चलो एक काम करते हैं, मुझे आज तुम बता दो तुम कितने पैसे लोगी मेरी और अलमी की जान छोड़ने के। तो उस धोखेबाज ने तुम्हारे कानों में मेरे खिलाफ जहर घोल दिया। धोखेबाज वो है या तुम दुआ? क्या कह रही हो ये? चंद दिन की मोहब्बत के लिए तुम अपनी दोस्त के साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, और वो दोस्त जिसने तुम्हें हमेशा बहनों की तरह समझा। कौन सी बहन, कैसी बहन, जिसने कभी अपनी शादी का जिक्र नहीं किया मुझसे, जिसने कभी कांटेक्ट भी नहीं किया मुझसे, और आज जब मैं अपना घर बसाने जा रही हूँ तो एकदम से अचानक से आ जाती है मेरी जिंदगी में मेरी खुशियों को आग लगाने। मैं तुम्हें सब बताती हूँ, मुझे मौका दो, मैं अभी तुम्हें सब बताती हूँ। इससे पहले मजीद मेरा टेम्पर हाई हो और मैं बदतमीजी पर उतर आऊँ, बेहतर है यहाँ से चली जाओ। देखो सिफत, अलमीर को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, झूठा मक्कार है वो, बेवकूफ बना रहा है वो तुम्हें। मत करो उसे शादी, पछताओगी। दुआ आई सेड नो, और कोशिश करना मुझे दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिफत तुम नहीं समझ रही हो, वो सिफत वो झूठा है, वो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। तो
से बहन, कैसी बहन, जिसने कभी अपनी शादी का जिक्र नहीं किया मुझसे, जिसने कभी कांटेक्ट भी नहीं किया मुझसे, और आज जब मैं अपना घर बसाने जा रही हूँ तो एकदम से अचानक से आ जाती है मेरी जिंदगी में मेरी खुशियों को आग लगाने। और कोशिश करना मुझे दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहब्बत के मामले में हम औरतों का दिल वाकई छोटा होता है। जब किसी एक को बसा लेते हैं ना, तो किसी और की गुंजाइश नहीं होती। मगर मर्द का दिल मोहब्बत के मामले में ना बहुत वसी होता है। 11 औरतें भी दिल में बसी हो ना, तो 12वीं की गुंजाइश होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद्दूर। सब रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। क्यों? बीवी जब इतनी खूबसूरत हो तो थोड़ा बहुत मर्द सुधरता है। अच्छा जी, आई लव यू। आर यू श्योर? 100%। वैसे तुम औरतें बहुत छोटे दिल की होती हो। सही कह रहे। मोहब्बत के मामले में हम औरतों का दिल वाकई छोटा होता है। जब किसी एक को बसा लेते हैं ना, तो किसी और की गुंजाइश नहीं होती। मगर मर्द का दिल मोहब्बत के मामले में ना बहुत वसी होता है। 11 औरतें भी दिल में बसी हो ना, तो 12वीं की गुंजाइश होती है। What a joke. It's not a joke. I'm serious. प्लीज डोंट बी सीरियस। मुझे तुम हंसते भी बातें करते भी अच्छी लगती हो। सीरियसली रेडी हो जाओ तो फिर चले। अरे मैं तो रेडी हूँ, आपने तैयार होना है, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। Thank you.
किन सोचों में गुम? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको ज्यादा सोचने के लिए? मैं खुशकिस्मत हूं, सोच रहा हूं कि जिंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना जो खुदा ने तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बत मेरी झोली में डाल दी। उस खुदा का जितना शुक्र अदा करूंगा मैं। खुशकिस्मत में अल्लाह पाक इसी तरह हमारा साथ सारी उम्र कायम रखे। आमीन। चले सूप खत्म कर लें, फिर मैं आपको दवाई पिला देती हूँ। कब से कॉल्स कर रही थी, क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम फिर शराब पी कर आए हो? अमीर मैंने मना किया था ना। ये क्या तरीका है? अमीर, अमीर, राशि चाचा। देखो सिफत, अलमीर को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। झूठा मकार है वो, बेवकूफ बना रहा है वो तुम्हें। मत करो उसे शादी, पछताओगी। दुआ चुड़ी कहाँ मेरी? मैं पूछ रही हूँ मेरी चुड़ी कहाँ है? ऐसा बात करो, मुझे शोर पसंद नहीं है। तो चुड़ी ऊपर से सीना सो रही? बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शोहर पे चोरी का इल्जाम लगाते हुए? शर्म मुझे आने चाहिए कि तुम्हें? अगर इतनी बेतबारी थी तो बैग में रखती ना, यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? सही कह रहे हो।
लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक आस्तीन का सांप पाल रही हूं। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, तुम्हारे तुम्हारे गंदे वजूद से। डार्लिंग, मैं शोहर हूं तुम्हारा और तुम्हारी हर चीज पे मेरा हक है। कौन सा हक? शोहर होने का कौन सा हक अदा किया तुमने आज तक? तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे, तो ऐसे ही कहती थी, उससे ही कहती थी कि मैं पछताऊंगी। मुझे आज एहसास हो रहा है, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि तुमसे शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। अन्नी, अगर तुम्हारे यही हालात रहे ना, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। मैं खुला ले लूंगी। क्या तुम खुला ले लोगी? तो ले लो खुला। मैंने घबरों कर प्लीज ले। सुना था मोहब्बत अंधी होती है, आज यकीन आ गया। मैं वाकई अंधी थी तुम्हारी मोहब्बत में। मैं चली जाऊंगी, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे जाना है तो जाओ यार, मैंने कौन सा तुम्हारे पैर पकड़ के रखे हुए। जाओ अपना मेलो ड्रामा लो, दरवाजा खुले और जाओ। बल्कि तुम एक काम करो, तुम्हारा बाप तो मर गया, तुम ना अपनी सहेली दुआ के पास चली जाओ, दोनों बैठकर मेरा गम बांट लेना। वैसे भी तुम्हारा बाप तुम्हारे हिस्से में सिर्फ कर्जे ही तो छोड़कर गए, बचा था उसका वो घर, वो तो कल से बैंक की कस्टडी में जाने वाले। तो प्लीज अपना सामान बांध दो और जाओ यहां से। चलो देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अलमीर, मुझ पर और अपने होने वाले बच्चे पर रहम करो। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम जैसी थर्ड क्लास लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। हम अपर क्लास लड़कों को औलाद के नाम पे तुम लोग इसी तरह ब्लैकमेल करती हो। अब क्या चाहती हो तुम? ये किसी और का जुर्म, किसी और का गुनाह मैं अपने सर ले लूं? गुनाह नहीं है, हमारा बच्चा है। मैं कहां जाऊंगी तुम्हें? मैं प्लीज अलमीर, छोड़ो मुझे। अलमीर मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात। क्या हो रहा है ये? भजन कुछ नहीं, ये करप्ट लड़की है, ये अमीर लड़कों को इसी तरह फंसाती है, मुझे फंसाने के लिए यहाँ पे आ गई है। इसके आंसू बता रहे हैं कि ये सच कह रही है। भाई अब मुझे अपने सगे भाई को छोड़ के इस अजनबी लड़की की बात में बिलीव कर रहे हैं? हाँ कह रहा हूँ बिलीव, क्योंकि मैं तुम्हारी फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। बेहतर यही होगा कि इज्जत के साथ इसे कबूल कर लो। अरे सोचो तो सही है, बेसहारा लड़की कहाँ जाएगी?
अरे हमारी बलत भाड़ में जाए। अलमीर जबान को लगाम दो। अलमीर मेरी बात सुनो, हम बैठ के बात करते हैं। प्लीज अलमीर मुझे, अलमीर प्लीज, अलमीर मुझे छोड़ के मत जाओ। अलमीर मैं कहाँ जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अलमीर। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर सही है, मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या क्या, क्या पागल बनी है हाँ? उस बेहस इंसान के लिए दो जाने कुर्बान करोगी तुम? क्या करूं, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। और फिर मैं कल इस बच्चे को क्या जवाब दूंगी? इसे मैं जवाब दूंगा, अपना नाम दूंगा इसे मैं। बात शादी कर ली। शादी के कुछ अरसे बाद दुआ का मिस कैरेज हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थी। कुछ अरसे बाद जब उसकी हालत संभली तो मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया। बहुत सादा, मासूम, बहुत प्यार करने वाली लड़की थी। हर हाल में मेरा बहुत साथ दिया उसने। जब उसे तुम्हारी और हलमीर की शादी के बारे में पता चला तो बहुत परेशान हुई वो, क्योंकि हलमीर की असलियत हम जानते थे। दुआ उसकी जिंदगी की पहली लड़की नहीं थी। दुआ को तो उसने सिर्फ हवस के लिए फांसा था। वो तो सिर्फ अमीर लड़कियों को अपना निशाना बनाता था, दौलत का पुजारी जो था। फिर एक दिन वो घर से ये कह के निकली के अपनी एक बहुत ही करीबी दोस्त को अलमीर से बचाने जा रही है, वापस नहीं आई। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत की खबर आई। देखो, मुझे जिंदगी देखे खुद मौत की आगोश में जाके सो गई। मेरी दुआ सुनी। हलमीर की चार दिन की मोहब्बत ने मुझे इतना पागल कर दिया था कि मैंने अपनी बहनों जैसी दोस्त को ही गवा दिया। मुझे माफ कर दो।